Good morning, students. Today we'll start the exercise 10.3. Okay, see the question number 1. Draw our different pairs of circles. How many points does each pair have in a common? Okay, कहता अलग अलग टाइप के circles draw करिए और बताइए कि इनमें कितने common points आते हैं. What is the maximum number of common points? और maximum number of common points कितने आते हैं? Okay, so सबसे पहले मैं एक दो diagram draw करूंगी यहाँ पे दो figure draw करते हैं. तो यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर लेते हैं. तो यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन है क्या दोनों में? ठीक है, नहीं है. तो आप लिखोगे नो पॉइंट इज कॉमन. यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. चलिए इसको ये वन नंबर पे. अब सेकंड देखते हैं. मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद एक और सर्कल को इसके साथ ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे वन पॉइंट इज कॉमन. इसमें एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है. ओके, चलिए और देखते हैं और कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं. एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं. अगर एक सर्कल ड्रॉ करा मैंने और ये एक और सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे कॉमन हो गया और ये पॉइंट यहाँ पे कॉमन हो गया. तो कितने हुए? टू पॉइंट्स आर कॉमन. टू पॉइंट्स कॉमन. यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन हो गए. ठीक है, और देखिए इससे ज्यादा तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते सर्कल में. अगर कोई दो सर्कल्स ही हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कॉमन हो सकते हैं इसमें? टू. दो से ज्यादा नहीं हो सकते. तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? कितने होंगे यहाँ पे? टू होंगे. ओके, इसको सेकंड क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स. अगर दो सर्कल्स हैं, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट दे सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड कौन सी है यहाँ पे? एबी. तो आपको ये बताना है कि जो ओपी है वो किसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? एबी का. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड पी. ठीक है, दो सर्कल है, एक का सेंटर कितना ओ और एक का कितना है पी है. तो टू प्रूफ क्या करना है आपको? ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे ओपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो आप लिखोगे ओपी इज परपेंडिकुलर, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ठीक है, ये जो ओपी है वो एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इट मींस दैट आपको इसमें दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी. एक तो बताना पड़ेगा अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसमें एक तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम. एक तो ये प्रूफ करना पड़ेगा. दूसरा क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए आपका? 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, वो करने के लिए मैं यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन करूंगी, इसको इससे, इनको ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या बताना है कि एंगल ओ एम ए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. तो सेकंड में आपको एंगल ओ एम ए को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा. ओके, दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी. वो करने से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करिए, तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे. ज्वाइन ओ ए एंड देन ओबी और बीपी एंड एपी. ठीक है, और यहां पे इसको ज्वाइन कर. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा? गिवन लिखा टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी. और इसके बाद टू प्रूफ क्या लिखी है उसने? इक्वेशन में ये बोला है कि ओपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ये जो ओपी है ये जो ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कोई दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी. इसका मतलब एपी इज इक्वल टू बीपी. ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी एम. एक तो ये चीज हो गई, दूसरी क्या होगी? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. तो इसका मतलब है ओ एम ए यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है? ये 90 डिग्री होना चाहिए. वो करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दिया. अब प्रूफ लिखेंगे. प्रूफ लिखने के लिए मैं एक ऊपर वाली ट्राइंगल लूंगी. सबसे पहले रूल में ये वाली ट्राइंगल और फिर ये नीचे वाली ओ ए पी इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड देन ट्राइंगल ओ बी पी. ओ बी पी, चलिए दो ट्राइंगल्स ले ली.
अब उसके बाद OA is equals to OB होगा, because इस ट्राइंगल इसका और इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, सेम होगा ना, because OA is equals to OB, सेम ट्राइंगल है, तो लिखो OA is equals to OB, ठीक है, रेडियस इस सेम, दोनों का सेम ट्राइंगल, सर्कल की सेम रेडियस सेम होगा इनका। अब इस साइड आइए, AP is equals to BP होगा, because ये इसका रेडियस है, AP is equals to BP, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर के रेडियस इज सेम। इसके बाद दो चीजें हो गई, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो बेस है इनका कॉमन आ रहा है, तो आप लिख दीजिए OP is equals to, that is OP is equals to OP, और ये क्या आ गया आपका कॉमन आ गया। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीनों साइड्स आ गई, तो इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं देखो द ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाय साइड 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 टू, क्योंकि इसमें तीनों ही साइड चाहिए। चलिए ये लिखने के बाद हम ये तो दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, तो इसका सीपीसीटी ये लिख सकती हूँ ना, कि यहाँ पे आपने ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे मैं इसका क्या सीपीसीटी लिख सकती हूँ, कि AM is equals to BM, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम लेते हैं तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए एंगल वन और यहाँ पे एंगल टू ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, और यहाँ पे क्या लिख देती हूँ सीपी सीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, अगर ओवरलैप करे तो लगे कि वो एक ही ट्रायंगल है, तो एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद मैं ये दो ट्रायंगल्स लेती हूँ, सबसे पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये ऊपर वाला OAP फिर OBP, ठीक है, उससे मैंने एंगल वन और एंगल टू को इक्वल प्रूव कर दिया। अब मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लूंगी, मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्रायंगल दैट इज OBM OBM एंड ट्रायंगल दैट इज OAM OAM, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। आपको ये पता है कि OB इज इक्वल्स टू OA है, यहाँ पे लिख लीजिए OB इज इक्वल्स टू OA है, ठीक है, तो ये क्या है रेडियस। एक चीज आ गई, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये OM OM कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए OM इज इक्वल्स टू OM, और ये क्या हुआ आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब एक तीसरी चीज मिल जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो आपने जस्ट अभी प्रूव करा है सीपीसीटी में कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, और यहाँ पे क्या रीजन देंगे प्रूव्ड अबव, कि हमने ऊपर इसको प्रूव किया है। किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देन यू कैन से दैट ट्रायंगल ओ बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल That is OAM, OAM by side angle side, ठीक है, ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे एक बार इरेज कर रही हूं मैं, तो आपको ये कर दिया आपने कि और ये इक्वल है, ठीक है, इस ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो AM और BM ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो अब ये लिख देंगे AM is equals to BM, क्यों इक्वल है, बिकॉज ये दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो सीपीसीटी लिख दीजिए बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक चीज तो आपने प्रूफ कर दिया, अब क्या बताना है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये सीपीसीटी से ये भी तो ये और ये भी तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इसके, तो ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी ओ एम बी, ये भी लिख सकती हूँ ना सीपीसीटी में। अभी क्यों लिखा मैं बताती हूँ, चलिए अब देखिए अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये पूरा सम कितना होगा दैट इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा दैट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन क्या देंगे लीनियर पेयर।
चलिए यहाँ पे क्लियर कर दे दिया। और जस्ट आपने अभी प्रूफ करा है कि ओ एम ए और ओ एम बी कितना है, दैट इज दोनों इक्वल है पर सीपीसीटी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, ओ एम ए एज इट इज रहने देती हूँ और ओ एम बी की जगह ओ एम ए पुट कर देते हैं। ये भी कितना हुआ 180 डिग्री। अब यहाँ पे कितना हुआ 2 एंगल ओ एम बी हो गए यहाँ पे, और ये कितना हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक बार सॉल्व कर रही हूँ, तो ये कितना एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये दोनों चीजें आपने इसमें प्रूव कर दिया है, ठीक है। इक्वेशंस डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ समझने वाले होते हैं। अगर अच्छी तरह समझ आ जाए तो हमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे मैं जो इंट्रोडक्शन करवाई थी इसकी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और या जो इसने 6 चैप्टर 7 चैप्टर अच्छी तरह करा, 8 चैप्टर अच्छी तरह करा, तो मेक श्योर दैट इसको 10th चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो आपकी ज्योमेट्री है वो चैप्टर नंबर 6 से शुरू हो रही है, तो जब भी आप शुरू करें, आप कोई भी क्वेश्चन शुरू करना, तो मेक श्योर आप 6 चैप्टर सबसे पहले शुरू करें, देन 6 देन 7 देन 8 देन यू स्टार्ट द 10th चैप्टर। जो 9th चैप्टर है वो आपका सिलेबस में डिडक्ट हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 9th चैप्टर नहीं करवाया। तो इस टाइप के 3 ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन करवाए, एक कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको भेजूंगी, और आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हो। थैंक यू।